स्टूडेंट्स वेलकम इन मैथ क्लास. हमारा चैप्टर सेकंड पॉलीनोमियल्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज 2.4 सम नंबर फर्स्ट. हमने डिटरमिन करना है विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल्स. हमने डिटरमिन होता है कि पता लगाना है, तय करना है, निर्धारित करना है कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी है, जो लीनियर पॉलीनोमियल दिए है, क्या वो फैक्टर है दिस पॉलीनोमियल की. फैक्टर मींस होता है जैसे हमारे पास 24 को 3 जो है हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ 24 का. यानी जो नंबर किसी डिजिट्स को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है. यानी कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि हमारे पास रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0. जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0. यानी अगर किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 रहे तो वो उसका फैक्टर कहलाता है. तो इट मीन्स अब हमने इस वैल्यू के अंदर, अब ये हमारी लीनियर पॉलीनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जिसकी पावर है 1 हमारी लीनियर पॉलीनोमियल है. इस पॉलीनोमियल को हमने डिटरमिन करना है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं. अब हमारे पास ये क्या है, इसकी पावर है डिग्री 3, तो ये हमारी क्यूबिक पॉलीनोमियल है. अब जिस नंबर से, ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिवाइडेंट है, इसको डिवीजन प्रोसेस से नहीं करेंगे हम, फैक्टर थ्योरम से, हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे. इसमें हमने क्योंकि रिमाइंडर ही चेक करना है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो तो हम कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है, यानी इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है. अब इसके लिए हम फैक्टर थ्योरम में क्या है कि हम जो वैल्यू दी है एक्स प्लस में 1, जो लीनियर इक्वेशन है, डिवाइजर है, उसकी हेल्प से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे. एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0. यहाँ से एक्स इज इक्वल टू प्लस 1 है तो इधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट से जब राइट इक्वल को जब क्रॉस करके इधर से उधर या उधर से इधर जाते हैं तो हमारे साइन पे चेंज आता है. प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा. अब यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई. अब इस एक्स की वैल्यू को हम पुट करेंगे इस पॉलीनोमियल के अंदर. देखो यहाँ पे माइनस 1 का क्यूब प्लस में माइनस 1 का स्केयर, जहाँ जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 और प्लस में 1. अब हमारे पास देखो माइनस की पावर, सबसे पहले हम साइन को करेंगे, माइनस की पावर हमारे पास क्या है, ओड नंबर, तो माइनस का रिजल्ट हमेशा माइनस ही आएगा. और यहाँ से 1 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट आपका 1 ही रहेगा. अब माइनस की पावर क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर इट मीन्स 2 से डिवाइड होने वाला नंबर, अब इसलिए माइनस का रिजल्ट हमारा हो जाएगा प्लस, और 1 का स्केयर करेंगे आपके पास 1 ही आएगा. प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है, माइनस का 1 और प्लस का 1, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो रिजल्ट हमारा 0. यानी रिमाइंडर हमारा 0 हो गया. रिमाइंडर 0 होते इट मीन्स ये नंबर जो ये पॉलीनोमियल है इस पॉलीनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करती है. इट मीन्स एक्स प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1. इस तरह से हमने सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करने हैं. अब पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे हम, जो सेकंड और थर्ड पार्ट है डू योर सेल्फ लास्ट पार्ट. इसमें हमारे पास पॉलीनोमियल वही लेनी हमने एक्स प्लस में 1, जो लीनियर पॉलीनोमियल है वही रखनी हमने, ये इसी के पार्ट है. अब यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. x की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 1 जो हमने पहले निकाल चुके हैं. अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस पॉलीनोमियल के अंदर, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में अंडर रूट 2, और x की जगह हम रखेंगे माइनस 1 प्लस में रूट. अब सबसे पहले माइनस की पावर ओड नंबर है तो माइनस का रिजल्ट माइनस और 1 का रिजल्ट 1 ही आएगा. माइनस हमारे पास है, 1 का स्केयर करेंगे आपके पास रिजल्ट 1 ही आएगा. अब ये देखो माइनस और माइनस दो सेम साइन की मल्टीप्लाई, चाहे दोनों माइनस के हों या दोनों प्लस के हों, सेम साइन की मल्टीप्लाई हमेशा प्लस आएगी. ओके, फिर यहाँ से इसको नंबर को 1 से साथ मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर हमारा क्या आएगा, एज इट इज, क्योंकि
वन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट सेम रहता है। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस रूट टू, यहाँ से माइनस के टू हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन को हम ऐड कर सकते हैं, माइनस वन और माइनस वन, माइनस टू प्लस टू रूट टू प्लस में रूट, ये सेम है, कैंसिल आउट, एक रूट टू यहाँ पे, एक रूट यहाँ पे, तो कितने के हमारे पास टू रूट टू, तो ये हमारा रिमाइंडर होगा, जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर है। लेकिन हमारा रिमाइंडर जीरो होना चाहिए था, इस मिनट हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो x plus 1 इज नॉट ए फैक्टर, फैक्टर मीन्स उसको कम्प्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में टू प्लस में रूट टू एक्स और प्लस में रूट टू, इस तरह से ये इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, यानी इसको ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ दिस क्लिप, इफ यू लाइक आवर वीडियो सो सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।